दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय माता दी, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। क्या हुआ जब पाकिस्तान में माँ दुर्गा के एक सच्चे भक्त के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये सच्ची घटना हमें भेजी है पाकिस्तान में रहने वाले महेंद्र सिंह जी ने। महेंद्र जी जो कि पाकिस्तान के हरनाई के रहने वाले हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह उस दिन स्वयं माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन देकर उन्हें एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से बचाकर उनके प्राणों की रक्षा की। महेंद्र जी माँ दुर्गा के अनन्य भक्त हैं और प्रतिदिन माँ दुर्गा के दुर्गा अष्टमी का पाठ कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। उनका मानना है कि आज वो जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हैं। बात करें उनके परिवार की तो परिवार में भी माँ दुर्गा की कृपा से हमेशा खुशहाली बनी रहती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उनके परिवार पर आने वाला हर संकट पल भर में दूर हो जाता है। ये बात सन 2022 की है जब माँ दुर्गा के नवरात्रे के व्रत चल रहे थे। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने माँ दुर्गा के 9 दिनों में उपवास रखे हुए थे। पाकिस्तान में जिस गांव में वो रहा करते थे वहां आसपास कोई मंदिर स्थित नहीं था, जिस कारण उन्हें माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए करीबन 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उनके लिए हर रोज मंदिर जाना तो मुमकिन नहीं था। जिस दिन उनकी ड्यूटी की छुट्टी होती थी उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाने का निर्णय लेते थे। दोस्तों माँ दुर्गा का ये मंदिर करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था, और इस रास्ते में बहुत ही घनघोर जंगल भी था जहाँ काफी खतरनाक जंगली जानवर रहते थे, जिस कारण मन में डर तो था मगर माँ दुर्गा के प्रति विश्वास भी था। उन्हें यकीन था कि माँ दुर्गा कभी भी अपने दरबार में आ रहे भक्तों पर किसी भी बड़ी मुसीबत को नहीं आने देंगी, और इस विश्वास के साथ वो अपनी पत्नी के साथ माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। यहाँ से माँ दुर्गा के मंदिर पैदल जाना लगभग नामुमकिन था, इसीलिए उन्होंने मोटरसाइकिल से जाना सबसे बेहतर समझा। वो और उनकी पत्नी मोटरसाइकिल से मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर में माँ के दर्शन करने के बाद जब वो घनघोर जंगल से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें खूंखार आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे कोई बेहद बड़ा जंगली जानवर उनका पीछा कर रहा है। ये सुनकर वो काफी डर गए। डर के मारे उनकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। तभी उस घनघोर जंगल के बीच एक खूंखार शेर बाहर निकल कर आता है और काफी तेज गति से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये नज़ारा देखकर कुछ पल के लिए तो उन्हें लगा कि जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जिस गति से वो शेर उनकी तरफ जा रहा था उसे देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि ये शेर अब किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि ना ही वो कहीं भाग सकते हैं और ना ही वहाँ रुक सकते थे, क्योंकि अगर वो वहाँ से भाग जाते तो शेर उनका पीछा कर उनकी जान ले लेता, उन्हें अपना शिकार बना लेता, और अगर वहीं रुकते तो भी वो उन्हें अपना शिकार बनाता। ऐसी परिस्थिति में आ चुके थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस मुसीबत में वो कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे, और अपने आप को वो मौत के करीब पा रहे थे। लगातार मौत उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति को देखकर जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने मन ही मन माँ दुर्गा का जप करना शुरू कर दिया और माँ से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि माँ आपकी कृपा अगर रही तो आज हम बचेंगे, आप अपना चमत्कार दिखाइए और हमें बचाइए। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उन्हें ही नहीं बल्कि वहाँ खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों कुछ ही पल हुए कि वहाँ वन विभाग की टीम भी आ पहुँची और उस खूंखार शेर से हमें बचा लिया, और अगर कुछ पल भी देरी होती तो वो खूंखार शेर हमें जान से खत्म कर देता। जब हमने वन विभाग की टीम से पूछा कि उन्हें हमारे बारे में, हमारी मुसीबत के बारे में किसने बताया, तो कहते हैं कि अक्सर जंगल में वो आते रहते थे मगर आज वो जंगल का रास्ता भटक गए। यहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने हमें देखा तो वो हमारी मदद के लिए वापस दौड़े चले आए। दोस्तों हो ना हो ये माँ दुर्गा का ही चमत्कार था। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हम नाग नागिन के किस्से कहानियाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि नाग या नागिन को नहीं मारना चाहिए। अगर नाग नागिन के जोड़े में से किसी एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसकी मौत का बदला जरूर लेता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के एक गांव में, जहां अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक नागिन ने करी सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों बिहार के एक छोटे से गाँव में दो भाई रमेश और गोविंद रहते थे।
वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव में जाते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के समीप ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में घूमने चली गई थी, लेकिन नाग वही पेड़ के नीचे सो रहा था। जब रमेश और गोविंद शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई, तो दोनों नाग को देखकर डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए उन दोनों ने नाग को डंडे से पीट पीट कर वहीं मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई तो अपने मृत नाग को पेड़ पर लटका देखकर बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु रमेश और गोविंद ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदल कर वो उसी गांव में पहुंच गई जहां रमेश और गोविंद रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में दिखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय जब रमेश और गोविंद काम करके घर लौट रहे थे, तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो रमेश और गोविंद को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो चुके थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को टस टस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ पर रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाइए, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य ये है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, उन्हीं के साथ हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।